Hey everyone, I'm Sanket Singh. I'm working as a software engineer at Google. And welcome back to my channel where we talk about tech, productivity, coding, programming, gaming, and other interesting stuff. मैं वापस आ गया हूँ इस रोडमैप की सीरीज में. मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेलर में बताया था कि वी विल बी लॉन्चिंग सम रोडमैप्स. सो दिस विल बी अनदर रोडमैप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर आउट देयर. बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने ये रोडमैप की पूरी सीरीज स्टार्ट करी. सो आई होप दैट यू आर लाइकिंग द सीरीज. आप अपना सपोर्ट और लव शो कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग टू द वीडियो. ये सारे के सारे रोडमैप जो भी हैं वो मेरा ओपिनियन है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू, इफ यू वांट यू कैन मे बी ट्वीक अ बिट इफ यू वांट ऑल ऑफ दीज रोडमैप्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रोडमैप फॉर टुडे. तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए आइडियल रोडमैप क्या होगा. मैं बात करूंगा कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर की वेकेशंस में क्या करना चाहिए, और इन केस अगर आप फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करके आ पाए हैं तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे. बट ये मान के चलते हैं कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर किया था फर्स्ट ईयर में. अगर आपको फर्स्ट ईयर का रोडमैप देखना है तो मैं कार्ड्स में लिंक डाल दूंगा. बट अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर कर लिया है तो आप ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट के साथ हैं. थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद आई वुड से कि आप थोड़ा सा डेवलपमेंट पैराडाइम्स को एक्सप्लोर करिए. आप वेब, मोबाइल या मशीन लर्निंग वाले पैराडाइम को एक्सप्लोर करिए. अगर मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. वेब में स्टार्ट करिए पढ़ना HTML, CSS, JavaScript, जिससे आप बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, स्केलेटन, डिजाइन कर पाएंगे. साथ साथ एक बैकएंड टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करिए. मेरे हिसाब से नोड, रूबी, पाइथन तीनों में से कुछ भी बढ़िया रहेगा. नोड आजकल काफी डिमांड में है तो नोड के साथ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आप थोड़ा प्रोजेक्ट बिल्डिंग के पार्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक्जैक्टली एक्सप्लोर कर पाएंगे, और आप अपना रिज्यूमे बिल्डअप करना स्टार्ट कर चुके होंगे क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे. आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये जो भी आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं ये लर्निंग बाय डूइंग करनी है. आपको प्रोजेक्ट बना बना के ये सारी डेवलपमेंट सीखनी है. थ्योरी पढ़ के ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा. हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स के लिए थ्योरी पढ़ना चाहते हैं दैट इज वेरी वेरी गुड. बट एक्जैक्टली कैसे पूरा वेब डेवलपमेंट आर्किटेक्चर चल रहा है, कैसे क्लाइंट सर्वर से बात कर रहा है, हर चीज के लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत है. प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं कार्ड्स में डाल दूंगा. सो डू चेक दैट आउट. इससे फायदा क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें थर्ड सेमेस्टर में करनी है वो है GitHub पे साइन अप करना है. आप अपना GitHub बिल्डअप करना स्टार्ट करिए. GitHub पे जो भी आप छोटे मोटे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं आप वो डालिए. मैं तो अगर कोई कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चंस वगैरह भी करता था तो एक फोल्डर बना के वहां पे एक रिपोजिटरी बना के रखता था जहां पे सारे कॉम्पिटेटिव के सबमिशंस वगैरह डालता रहता था. सो आप GitHub को अपना एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए. GitHub को अपना लिट बनाने की जरूरत है. आप प्रोजेक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर करिए वहां पे. आप GitHub के थ्रू ही थोड़ा टीम प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट भी कर पाएंगे. अगर आप और आपके फ्रेंड्स साथ में सीख रहे हैं तो मे बी आप लोग क्लब करके एक टीम प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि उसका स्कोप थोड़ा बड़ा हो, उसका कोड बेस थोड़ा बड़ा हो, उसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा हो, और आपको भी सीखने को मिलेगा कि कैसे वर्जन कंट्रोल होता है, कैसे टीम में काम होता है. आगे ये सब इंटर्नशिप्स में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो थर्ड सेमेस्टर आप पूरा अपना डेव के लिए दे सकते हैं. साथ साथ अपने कॉम्पिटेटिव के कॉन्टेस्ट को कंटिन्यू रखिए. हफ्ते में एक से दो कॉन्टेस्ट भी अगर आप रेगुलरली दे रहे हैं, रेगुलरिटी छोड़नी नहीं है. रेगुलरिटी और डिसिप्लिन ही है जो आपको करियर में आगे लेके जाएगा. तो कॉन्टेस्ट को साथ साथ देती रहिए. और मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर को अगर आप इसमें पूरा एक्सप्लोर करते हैं, आप बाद में जाके थोड़ा बहुत रिएक्ट जेएस वगैरह एज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट वो नहीं भी कर पाते हैं तो भी इट वुड बी ऑलमोस्ट फाइन. ये सारी चीजें आप अपने विंटर वेकेशन में भी कंटिन्यू करिए ताकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आए. साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर में एक और चीज हम लोग करने की कोशिश करेंगे. हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे जहां पे हम लोग अपने स्किल्स वगैरह को लिस्ट कर पाएं. ये आपका अच्छा एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो एक जगह लिस्ट भी हो जाएगा. तो जब भी किसी को अपना रिज्यूमे देना होगा उसमें हम लोग पोर्टफोलियो की वेबसाइट अटैच कर पाएंगे तो वो एक अच्छा इंटरैक्टिव वे में हम लोगों को देख पाएगा. मैं कुछ अच्छे इंटरैक्टिव पोर्टफोलियोज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. डू चेक देम आउट. अब बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आईडियली बच्चे को क्या करना चाहिए. तो फोर्थ सेमेस्टर में आने के बाद अब देखो आपको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज भी हो गया, आपने डेवलपमेंट पैराडाइम भी सीख लिया, और आप कॉम्पिटेटिव कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं. हर हफ्ते में एक से दो कॉन्टेस्ट भी दे रहे हैं तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है. तो बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, आप एडवांस्ड चीजों को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें. एडवांस एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करें जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ एल्गोरिदम्स आप स्टार्ट करिए. डिसजॉइंट सेट यूनियन को पढ़ना, ऐसी सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करिए जहां से आप थोड़ा सा और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट और थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना पाए. मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव के कॉन्टेस्ट देते आ रहे होंगे आपकी रैंक्स भी बढ़ रही होंगी और आपको थोड़ा बहुत इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू भी हो गया होगा. अब टाइम है कि डेडिकेटेडली इनको लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जाए. इनको आप कोडशेफ या कोडफोर्सेस पे जाके मीडियम क्वेश्चन पे सॉर्ट कर सकते हैं या फिर टैग्स के बेसिस पे टॉपिक को सॉर्ट कर सकते हैं और वहां पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा. हर टॉपिक पे अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन बनाते हैं इट वुड बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू.
और क्योंकि हमने थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट सीख लिया था, इट्स टाइम टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन हैकाथॉन। तो इस सीजन के आसपास थोड़ा सा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वगैरह हो रहा होता है, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन या आगे और दूसरे हैकाथॉन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से हैकाथॉन्स वगैरह हैं आप आराम से गूगल कर सकते हैं, मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूं उस पे। बट मेरे हिसाब से क्योंकि आपने डेव कर लिया था तो अब टाइम में थोड़े और प्रोजेक्ट्स आ जाए हमारे पास, तो हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करने से प्रोजेक्ट आ जाएगा आपके पास, तो कम से कम एक से दो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करिए। साथ ही साथ सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर के पास आने के बाद आप लोग अपने लिए कुछ स्टेप इंटर्नशिप्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टेप इंटर्नशिप्स होती हैं जो काफी कंपनीज लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह रिलीज करती हैं, वो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ही होती हैं, तो आप स्टेप इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सैमसंग वगैरह भी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप्स निकालती हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। आपको टाइम आ गया है कि लिंक्डइन पे भी एक प्रोफाइल बना ली जाए ताकि आप एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाएं कैंपस में भी, कैंपस के बाहर भी। और कॉन्टेस्ट को देना कंटिन्यू रखिए, कॉन्टेस्ट को देना बंद नहीं करना है। कॉन्टेस्ट को जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप देते रहेंगे वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो अच्छे मतलब जो बढ़िया कॉलेजेस हैं लाइक IITs, NITs, GTUs, उसमें फोर्थ सेमेस्टर के बाद कुछ कंपनीज आएंगी जो आपको इंटर्नशिप के लिए टेस्ट देंगी। वो इंटर्नशिप आपको करनी होगी थर्ड ईयर के बाद, बट टेस्ट अभी होने वाला होगा, तो इट्स गुड कि आप कनेक्शंस भी बना के रखें और साथ साथ अपना DSA प्रैक्टिस करते रहें। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट होगा तो आपका एक रिज्यूमे बन चुका होगा ताकि आप उन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो दिस शुड बी द आइडियल वे हाउ योर फोर्थ सेमेस्टर शुड गो। अब बात करते हैं कि आपकी वेकेशंस कैसे जाने चाहिए, समर वेकेशंस कैसे जाने चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपके कॉलेज में ऑन कैंपस इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आप ज्यादा से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिस करिए, फोकस करिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे, कॉन्टेस्ट दीजिए। थोड़ा बहुत लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रेलिवेंट होता है इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए, इसको देना थोड़ा सा स्टार्ट करिए। साथ ही साथ अगर मान लो आपके कैंपस में चीजें नहीं है आपके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, आपका प्लेसमेंट सेल अरेंज नहीं कर सकता है, तो आप किसी छोटे स्टार्टअप में इंटर्नशिप के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे जितना सीखने को मिलेगा उतना शायद किसी MNC में भी सीखने को नहीं मिलेगा। छोटे स्मॉल स्केल स्टार्टअप जिसमें 4 से 6 लोगों की टीम है, वहां पे जाके आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिए, इट वुड बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। साथ साथ कॉन्टेस्ट देना बंद नहीं करना है, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आप अपने इंटर्नशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आगे टेस्ट आने वाले हैं, दोनों ही केसेस में आपको कोर्सेस फोर्थ कोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देने कंटिन्यू करने हैं। हमने ऑलरेडी हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट कर लिया है तो हमारे पास 1 से 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, सीखते टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो वो भी होंगे, तो हमारा एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड होने लगा होगा। लिंक्डइन प्रोफाइल हम लोग अपनी बनाएंगे और गिटहब को रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे ताकि गिटहब भी थोड़ा सा लेट रहे हमारा। सो आई बिलीव दिस शुड बी द आइडियल थिंग्स व्हाट अ सेकंड ईयर ग्रेजुएट शुड डू। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने यार फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ नहीं करा था, तो मेरे हिसाब से आप अपना थर्ड सेमेस्टर डेवलपमेंट में ज्यादा ना दें। आप अपना थर्ड सेमेस्टर पहले लैंग्वेज को सीखने में लगाएं, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, आप जावा या C++ किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी C++। आप C++ पढ़िए और थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के साथ स्टार्ट करिए। कोडशेफ कोडफोर्सेस पे अब तक अगर आईडी नहीं बनाई है तो प्लीज बना लीजिए, आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और फोर्थ सेमेस्टर में आने के बाद आप थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना सीखिए कि कैसे मैं थोड़ा सा टाइम डीएसए के साथ, थोड़ा सा टाइम डेव के साथ मैनेज कर सकता हूं, क्योंकि जो थोड़ा सा हमारा टाइम लॉस हुआ है हम उसको यहां पे कवर अप कर पाएंगे। पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हम लोगों को रिज्यूम कर देनी है फोर्थ सेमेस्टर तक कैसे भी, ताकि हम लोगों के पास भी इक्वल एज रहे जैसा बाकी बच्चों के पास है। तो इवन इफ आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करी आप बहुत पीछे नहीं है, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के साथ स्टार्ट करिए, थोड़ा सा किक स्टार्ट लीजिए। एंड फोर्थ सेमेस्टर में आने के बाद दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करिए कि कैसे आप थोड़ा सा डेव के लिए टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए टाइम निकाल सकते हैं। सो आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ देयर आइडियल ईयर शुड गो ऑन, एंड दिस इज अ रोड मैप फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। तो ये था यार रोड मैप रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। अगर आपको पसंद आया रोड मैप सो डू कॉमेंट डाउन द बिलो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी हम लोग आगे के और रोड मैप्स लॉन्च करें। और डू टेल मी आर यू लाइकिंग द होल सीरीज, इज दिस सीरीज समथिंग दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू एनी हाउ, डू लेट मी नो, डू शो योर लव, डू शो योर सपोर्ट, एंड वी विल बी कमिंग बैक वेरी 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 सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, लव यू ऑल।